बीती रात से वाराणसी में बह रही ठंडी हवा ने मौसम को कूल और लोगों के अनुकूल कर दिया। करीब 40-50 दिन की नॉनस्टॉप अथाह गर्मी के बाद आज काशीवासियों को पूरी तरह से राहत मिल गई है। बारिश भले ही नहीं हुई हो, मगर तेज हवा के बीच लोगों ने रात में एयर कंडीशनर, कूलर और पंखा तक को चलाने की जरूरत नहीं समझी। रात से ही हवा करीब 20 किलोमीटर या उससे भी तेज स्पीड से चल रही है। हवा दक्षिण और पश्चिम की ओर से बह रही है। इस समय वाराणसी के आसमान में हल्के बादल भी छाए हैं, वहीं रह रहकर धूप भी खिल जा रही है। इस हवा की वजह से वाराणसी में सुबह का औसत तापमान रोजाना 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग ने आज भी अलर्ट जारी करके बताया है कि वाराणसी में अगले 6 दिन बारिश की संभावना है। इस बीच घने बादल छाएंगे और हल्की फुल्की बरसात होगी। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि भारी बारिश होने का ना कोई अनुमान है और ना ही कोई वजह। हो सकता है कि 5-7 किलोमीटर की दूरी पर कहीं बूंदाबांदी हो जाए, मगर तेज बारिश होगी या कहना अभी जल्दबाजी होगी। बुधवार को वाराणसी का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक गया। यह तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। पल में धूप और पल भर में बादल उमड़ने लगते हैं। हालांकि हर रोज सुबह के 8 बजते धूप हालात खराब करने लगती है। वहीं 10 बजे के बाद धूप की तल्ख किरणें शरीर को झुलसा देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।